हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कंसेप्ट करेंगे शेयर का। देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इससे पहले देखी थी, ट्रांसलेट, रोटेशन, स्केलिंग एंड देन लास्ट जो टॉपिक किया था रिफ्लेक्शन। शेयर हमारी लास्ट टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन की। चलिए देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर होता है क्या है। एक चीज बता दो, इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास फॉर्मुलेज है, अपने न्यूमेरिकल में डालिए, उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, शेयर का मतलब होता है स्लांट करना, किसी चीज को स्लांट करना या टिल्ट करना। तो कंसेप्ट तो समझ गए होंगे कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा है, उसको आपको शेयर करना है, मतलब उसको थोड़ा सा आपको टिल्ट करना है या स्लांट करना है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली होती है दो टाइप की। एक होती है एक्स शेयर और दूसरी होती है वाई शेयर। ठीक है, देखो एक्स शेयर में क्या होगा कि इसके अंदर हमारे जो होते हैं सिर्फ ओनली एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही वाई शेयरिंग में क्या होगा कि ओनली वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वो चेंज होंगे और एक्स के अंदर क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो प्रिजर्व हो जाएंगे। तो मैं डायग्राम के फॉर्म में दिखा देता हूं उसको, देखिए। सपोज करो एक्स शेयरिंग का कंसेप्ट करा रहा हूं, एक्स शेयरिंग है ये। ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है, यहां पे मेरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट समझ लीजिए ऐसे पड़ा है, इसको मुझे अगर एक्स शेयर करना होगा तो क्या होगा कि मेरा जो नया बनेगा, सपोज कर लो उसके अंदर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना एक्स एक्सिस के बेस पे, इधर वाई में चेंज नहीं होगा, वो कैसे होगा, देखो इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, ये चेंज होके ऐसा हो जाएगा। अब आता है कि वाई शेयरिंग में कैसे होगा, इसके अंदर ले लीजिए अगर मेरे पास कोई पड़ा है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे पड़ा है, तो वाई शेयरिंग के अंदर मेरे पास ये थोड़ा सा टिल्ट होके इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से, ठीक है जी। अब कर लेते हैं कि इनकी इक्वेशंस क्या है हमारे पास, तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। एक्स शेयरिंग के अंदर जो हमारी इक्वेशन आती है मैट्रिक्स की, वो आती है एक्स डॉट, जो इसको हम एक्स डॉट शेयर ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम, जो पहला एलिमेंट होता है ये 100 एस एच एक्स 10, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है जी, जो मेरा एक्स शेयरिंग है। ठीक है, अगर मुझे इसमें कोऑर्डिनेट निकालने हो एक्स और वाई, देखो मैंने क्या कहा था, एक्स शेयरिंग के अंदर वाई में कोई चेंज नहीं होता, बट जो न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स और एक्स डैश, वो हो जाएगा मेरे लिए एक्स प्लस में एस एस एच एक्स प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं है, ये है मल्टीप्लाई बाय वाई, ये मेरी इक्वेशन होती है इसके अंदर। दोबारा देख लीजिए कि एक्स शेयरिंग के अंदर वाई में चेंज नहीं होता, तो जो नया पॉइंट आएगा उसमें वाई में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। एक्स शेयरिंग की जो मैट्रिक्स होती है बेसिकली वो होती है ये, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो नया कोऑर्डिनेट निकलेगा वो एक्स प्लस में एस एक्स एक्स, जो फैक्टर है मेरा शेयरिंग का वो डॉट वाई, मतलब वाई से मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मैं वाई की बात कर लूं, वाई शेयरिंग के अंदर, इसके अंदर देख लीजिए क्या चीज आएगी कि जो y डॉट एस एच वाई होगा बेसिकली, ये इसकी मैट्रिक्स आती है हमारे पास, एक मिनट रुक जाइए, इसकी मैट्रिक्स आती है 1 एस एच वाई
देन ये वन ये वन ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है वैसे तो, बट पूछ लिया जाता है कई बार, तो रिस्क क्यों लेना। देखो एक्स के डैश में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वाई के वाई डैश में क्या होगा, इसकी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, सिर्फ चेंज करना है मुझे क्या, एक्स की जगह वाई, वाई प्लस में एस एच जो y है डॉट x, ठीक है जी। ये दो इक्वेशन मिल जाती है मुझे, ठीक है। इस इक्वेशंस को आप यहां रख लीजिए, चलो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है, छोटा सा जो कंसेप्ट है कि मुझे किसी रेफरेंस लाइन के बेस पे शेयरिंग करनी हो तो, मैंने क्या कहा, मुझे किसी रेफरेंस लाइन के बेस पे शेयरिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, शेयरिंग रिलेटिव टू अदर रेफरेंस लाइन। देखो हमारी रेफरेंस लाइन या तो एक्स होगी या वाई होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई रेफरेंस लाइन नहीं होती, तो इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर मेरी एक्स शेयर हो रहा है विद रेफरेंस लाइन, तब मैं क्या करूंगा, मेरी जो कोऑर्डिनेट आएंगे, जो आएंगे पॉइंट, वो होंगे वन एस एच एक्स, ये है जीरो, ये है जीरो, यहां पे आ जाएगा एक मिनट वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा मेरे लिए माइनस एस एच एक्स डॉट वाई रेफरेंस, ठीक है। ये वाई रेफरेंस लाइन के लिए है, ओके। सेम इसी का हम, अगर हमें वाई शेयरिंग करनी है विद रेफरेंस एक्स लाइन, ठीक है, एक्स लाइन के बेस पे मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, यहां पे उसको देख लीजिए, ये आएगी वन एस एच वाई, वही जो मेरे पास पिछले इक्वेशन थी वहीं से उठाना है कंसेप्ट, सारा का सारा वहीं से आएगा, जीरो वन और जीरो माइनस में एस एच वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आर रेफरेंस, ठीक है, जो हमें गिवन होगा, जो भी हमें उसकी वैल्यू गिवन होगी, सीधा फॉर्मूले में लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल, इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं शेयरिंग के ऊपर, ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को मैं अलग से भी डालूंगा वीडियो के अंदर अलग से, और यहीं से भी कंटिन्यू करूंगा, ताकि जिसको न्यूमेरिकल देखना हो सिर्फ वो न्यूमेरिकल देख ले। न्यूमेरिकल आता है कि आपको अप्लाई करनी है शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो, बी है मेरे पास वन जीरो, सी है मेरे पास वन वन, ठीक है, एंड डी है मेरे पास जीरो कोमा वन, ठीक है। इसे कैसे करनी है मुझे शेयरिंग, इसके अंदर क्वेश्चन में है शेयरिंग पैरामीटर की जो वैल्यू है, देखिए जो एस एच एक्स और वाई जो होते हैं शेयर पैरामीटर है मेरे पास, इसके अंदर 0.5 रिलेटिव टू वाई रेफरेंस लाइन जो गिवन है माइनस में वन, सेम दूसरे पार्ट के अंदर शेयरिंग पैरामीटर वैल्यू गिवन है मुझे जिसकी वैल्यू है 0.5 विद रेफरेंस एक्स रेफरेंस इक्वल टू माइनस में वन, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को मैं सिर्फ वैल्यूज डालनी है, कुछ नहीं करना, आपका पूरा पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर मेरे पास एच एक्स एक्स कितना गिवन है 0.5, और एच एक्स वाई कितना गिवन है यहाँ पे 0.5, ये रेफरेंस लाइन ये मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस में वन, और यहाँ पे एक्स रेफरेंस लाइन क्या हो जाएगी माइनस में वन। सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना। देखो कैसे होगा, ए डैश बी डैश सी डैश और
डी डैश इसको उठाइए, ये मेरे पॉइंट गिवन है मुझे 0 0 1 0, सी है मेरा 1 1, डी है मेरा 0 1, इसको 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये लिख दूंगा, साथ में डॉट लगा के जो मेरी इक्वेशन थी पूरी की पूरी उसे लिखना है मुझे, वो क्या होगी यहाँ पे 1 0 0 HXX 1 0 माइनस में HXX Y reference 0 1, ये आपको डालनी है वैल्यू, आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो आने वाला है आखिरी में, आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके वैल्यू में, ये भी मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल का 2 1 1 1 1 1, ठीक है। तो जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे ए डैश के ये, बी डैश के ये, सी डैश के ये और डी डैश के आएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट इसका कर लेते हैं हम, अब जो सेकंड पार्ट है सेम वही फंडा लगना, कुछ नहीं, आप कंसेप्ट समझ रहे हो, वैल्यू पुट कीजिए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट चला रहा हूँ मैं आपको 28 से, देखिए फॉर्मूला लगेगा क्या, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, यहाँ पे वैल्यू डालनी है हमें इसकी जो भी है 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई होगा क्या, जो दूसरा फॉर्मूला था 1 Y शेयरिंग वाला 0 1 0 0 माइनस में SHY.X reference और ये 1, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 0.5 1 1 1 1 1 2 1 0 1.5 and 1, ठीक है। ये आपका जो लास्ट में आएगा आंसर ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये बी डैश के, सी डैश के और डी डैश के, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, इसे कर लीजिए। अब हमारी जो ये सेक्शन है 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का, ये खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, बाय, थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।